जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा महाकाल भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे। दोस्तों, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि अपने जीवन में अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपने जीवन में आप हमेशा सकारात्मकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी राशि के जातकों को यह कलर का तिलक लगाना चाहिए। अब वो कौन सा कलर है, कैसे लगाना है, कब क्या करना है, ये पूरी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो बातें हैं ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। इसको पूरा और अंत तक देखें ताकि चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। तिलक जो है हमारा एक प्रतीक है, वो हमारी सकारात्मकता का प्रतीक है, हमारे चैतन्य का प्रतीक है और हमारा कर्म का प्रतीक है। इसलिए तिलक सबसे पहले, तो ये बात शुरू करने से पहले मैं कहूँ कि अगर आप अपने जीवन में तिलक नहीं लगाते हैं तो एक अच्छी आदत आज अभी इसी वक्त से डाल लें, तिलक जरूर लगाएं। तो इस वीडियो को पे शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े और आप कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय गणेशाय नमः, जो आपका मन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ यदि अपनी आप कुंडली का विश्लेषण और मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात कि तिलक कौन से कलर का लगाएं, तो दोस्तों ये बात आप जरूर याद रखें कि आप जो भी कलर आपको मन को अच्छा लगता हो, काले को छोड़कर, ब्लैक कलर के को छोड़कर, इसके अलावा जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो, इन तीन कलरों में से चाहे लाल कलर हो, गुलाबी कलर हो, चाहे वो सिंदूरी कलर हो, जो भी तीनों में से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, आप उसका तिलक रेगुलर रोज लगाने की आदत डाल ले। बहुत से जातक लगाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सकारात्मक है, पर जो नहीं लगाते हैं वो प्लीज़ तिलक लगाने की एक आदत डालें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं आप, सफ़ेद कलर का तिलक लगा सकते हैं आप, अपने कुमकुम का लगा सकते हैं आप, सिंदूर का लगा सकते हैं, तो ये तिलक लगाने की एक आदत डालें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। ये अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, मानसिक शांति को अच्छा रखता है। दूसरा मुख्य बात यह है कि एक सकारात्मक वेव्स हमारे से निकलती है और हमारा मन और मस्तिष्क दोनों पॉजिटिव रहता है। तो ये सिंपल सा एक बहुत बड़ा विज्ञान है, तो उस विज्ञान के साथ हमें भी चलना चाहिए और हमें तिलक लगाने की एक सकारात्मक आदत आज से अभी से डालना है, जिससे कई सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, कई सारी पॉजिटिविटी हमारे यहाँ आती है। हल्दी का आप कुमकुम लगा भी सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, आप कुमकुम का लगा सकते हैं, हल्दी का लगा सकते हैं, सिंदूर का लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं और हमारे मन को जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं।